तो जी, पता चल गया होगा आपको लोगों को टाइटल से ही कि आज का जो व्लॉग है वो है गर्मियों की शॉपिंग से मुतल्लिक। तो जुड़े रहें मेरे साथ और इन्जॉय करें मेरे साथ गर्मियों की शॉपिंग, और देखें कि जी बर्मिंघम में वो किस किस्म के जो है वो कपड़े मिलते हैं गर्मियों के। तो जी चलते हैं व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ ब्लीच क्रीम्स। एक्चुअली मुझे ना ये यहाँ यूके से ही मिली है और मैं बहुत टाइम के बाद, आई थिंक 5 ईयर्स के बाद जो है ना वो ब्लीच क्रीम करने लगी थी अपने फेस के ऊपर ना। तो एक्चुअली ये मैंने यहाँ से लिया है 4 पाउंड 50 पैनी की ना, जबकि पाकिस्तान में ये 150-200 रुपये की आई थिंक मिल जाती है, क्योंकि बहुत ही छोटी थी। एक दफ़ा ही बस अप्लाई किया मैंने फेस पर, उसके बाद ये ख़त्म हो गई ना। इसमें 2 एक्सीलेटर भी थे, एक्सीलेटर पता नहीं इन्होंने क्यों 2 डाल दिए थे, तो जबकि एक ही एक्सीलेटर जो था ना वो इनफ था, क्योंकि इसमें से भी मैंने हाफ पैकेट जो है वो यूज़ किया था और बाकी जो है वो वेस्ट हुआ था, क्योंकि क्रीम इतनी थी नहीं, इनफ नहीं थी। तो अच्छा, फेस तो लोग शुक्र है कि ब्राइट हो गया था। एक्चुअली मैं ब्लीच क्रीम करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत पहले ना पार्लर्स वाली ने मना किया था कि ब्लीच क्रीम होती है ना ये फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो एनीवेज़ अगर मैं बहुत सालों की बात कर रही थी, जैसे 5 साल की बात कर रही थी, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप बार बार यूज़ करते हो ना, एवरी मंथ यूज़ करते हो, तो ये हार्मफुल होती है स्किन के लिए, नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो जी, इसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना ड्रेस। तो सबसे पहले तो दुपट्टे की बात कर लेते हैं ना, कि दुपट्टा जो है ना वो देखें इसका, ऐसे इसके ऊपर यहाँ पे ना बारीक सी ना गोटा लगा हुआ है, बारीक सा, और साइड उसके जो पल्ले हैं उसके ऊपर भी ये देखिए इस तरीके से गोटा लगा हुआ है। और इसकी जो ये फ्रॉक है, ये फुल लेंथ आती है इसकी फ्रॉक की। तो गले से स्टार्ट करते हैं। जिस जिसने स्क्रीन शॉट ले रहे हैं ईद के ड्रेसेस बनाने के लिए, तो ये बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि लॉन्ग के जो है ना ड्रेसेस के ऊपर ये बहुत ही प्यारा लगता है, और आजकल वैसे भी लॉन्ग जो है ना फ्रॉक्स का और मैक्सीज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है। ये इस तरीके से इसका यहाँ पे वी गला है और थोड़ा सा अनरखा स्टाइल में बना हुआ है, लेकिन यहीं पर आके ना इसकी पेटी है, तो ये देखें पेटी है। और उसके बाद यहाँ पर कलियाँ स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पे, पता नहीं वीडियो में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितनी कलियाँ टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 कलियाँ इसके अंदर। और इस तरीके से ना ये फ्रॉक है, बहुत घेर ढेर सारी घेरे वाली। ये देखिए मेरा 3 सीटर सोफा है, उसके ऊपर पूरा आया हुआ ये, और नीचे इस तरह से पाइपिंग लगी हुई है। अच्छा, मैं ना अभी ये ड्रेस पहनने लगी थी, तो मैंने देखा कि ये किस तरीके से बंद होगा। स्टेप्स मैंने आपको गलत बताए हैं, ऐसे और ऐसे बंद नहीं होंगे, बल्कि ये ऐसे और ये वाला बंद होगा, और ये वाला बंद होगा। पहन के आपको दिखाती हूँ कि पहनने के बाद जो है वो उसकी लुक कैसी आती है। ये वाले शूज़ घर में ही पड़े हुए थे बाय चांस, मैंने पहले कभी भी नहीं पहने ऐसे, बस मुझे कलर अच्छा लगा था तो मैंने बाय कर लिए थे, लेकिन बाय चांस जो है ना इस ड्रेस के साथ ही कलर बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया। और जी, पहनने के बाद इसकी लुक इस तरीके से आ रही है, देखिए इसका दुपट्टा कितना प्यारा लग रहा है, और गला इसका इतना नाइस बना हुआ है ना, और फ्रॉक की लेंथ भी बहुत ही नाइस है ना, हील के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैं, हम लोग जो है वो तैयार हो गए थे और हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि समर के ड्रेसेस भी लेने थे, गर्मी बहुत हो गई है यूके में। आलम रॉक हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है ना कि मैं बस क्या बताऊँ। और अच्छा, मैंने इधर आ गई थी आलम रॉक में ना, और आलम रॉक में स्टार्ट में एक शॉप है, यहाँ से मैंने ना स्कार्फ लेने के लिए 2 ब्लैक कलर के स्कार्फ लिए, और यहाँ पे इतने प्यारे आइस लगे हुए थे ना, मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी कि देख लो आप लोग ना, तो कहने लगी मामा खुदा का खौफ खाएं, हम लोग इतने बड़े बड़े नहीं पहनते एयरिंग्स ना। तो यहाँ पे लेंजेस बहुत प्यारे लगे हुए थे, साथ में मेहंदी आई हुई थी बहुत प्यारी, लेकिन अभी मैंने मेहंदी पाई नहीं की है, मेहंदी जो है वो बाद में लूँगी, क्योंकि अगर मैं मेहंदी ले आऊँ ना घर, तो बच्चे जो है ना वो पहले से लगा लगा के ना हाथों पर ख़त्म कर देते हैं, और ईद वाले दिन ना तो इतने गंदे गंदे निशान हाथों के ऊपर मेहंदी के लगे होते हैं। तो इनके पास एयरिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। फिर मैं यहाँ पर कायरा पर गई, कायरा बहुत अच्छी नाइस शॉप है, और यहाँ पे बहुत ही प्यारे कपड़े होते हैं इनके पास ना, तो मुझे यहाँ पे कुछ ड्रेसेस वगैरह लेने थे बच्चों के लिए, अपनी दोनों बेटियों के लिए कुर्ताज लेने थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है यहाँ पे यूके में, तो मुझे चाहिए थे कि ना मैं कुछ ना कैजुअल से ना कपड़े ले लूँ, कुर्ताज ले लूँ, या ईद के लिए भी मुझे लगता था कि मैं यहाँ से ड्रेसेस ले लूँगी। तो एनीवेज़ ये बहुत प्यारी फ्रॉक थी, लेकिन मुझे सारा बोलने लगी थी मामा ये बहुत ज़्यादा ही हैवी है, मैंने ना कैजुअल यूज़ के लिए पहने कपड़े घर में लेने, तो वो बहुत ही मुझे ना हैवी लग रहा। इस शॉप पे ना काफ़ी रश था, क्योंकि इन्होंने सेल भी लगाई हुई थी कुछ कपड़ों के ऊपर, और कुछ जो थे ना वो बिल्कुल न्यू ड्रेसेस थे। ये ड्रेस मुझे इतना पसंद आया ना, और सिल्क का ड्रेस था और दुपट्टा इसका प्रिंटेड था ना ऑर्गेन्जा का, और उसके बाद ये वाला ड्रेस भी बहुत ज़्यादा नाइस लग रहा था, लेकिन अभी मैंने अपने लिए जो है ना वो ईद का ड्रेस यहाँ से नहीं लेना था, मैंने किसी और शॉप से लेना था। और ये जो दुपट्टे हैं ना, इनका इतना ज़्यादा फैशन हुआ है ना यहाँ यूके में भी, और टिकटॉक पर भी मैं देख रही थी, इसके अलावा भी मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पर भी ना, कि इन दुपट्टों का बहुत ही फैशन हुआ है। ये इनकी शर्ट्स थी यहाँ पर लटकाई हुई थी इन्होंने, और ये इनके दुपट्टे थे जो उन्होंने साथ में लगाए हुए थे ना। तो फिर मैंने मतलब बच्चों के लिए तो ये नहीं था ठीक, वो तो बड़ी औरतों के लिए होता है जस्ट लाइक मी, तो टीनेजर्स के लिए नहीं था ये ना, मुझे नहीं लग रहा था कि ये टीनेजर्स के लिए होगा। एनीवेज मेरी जो एज की मेरी जो बेटी है ना जिस एज की, ये उनके लिए नहीं था। तो यहाँ पर फाइनली मैंने इनके लिए इस शॉप से 3 कुर्ताज़ लिए थे, और वो मैं आपको बाद में घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी शॉपिंग की उनकी।
और यहाँ पे ना ये बहुत ही प्यारे इयररिंग्स लग रहे थे मुझे ना, तो मुझे अभी जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग नहीं करनी थी, वो मैंने बाद में करनी है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी जब मैं बाय करूँगी। तो मैं वैसे आपको दिखा रही थी कि इनके पास कितनी वैरायटी है। और यहाँ पे जी देखें पाकिस्तान की तरह ना कैसे लोगों ने बाहरी कपड़े लटकाए होते हैं। फिर मैं प्रिंसेस बी पर आई थी, इनके पास भी कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, कि न्यू कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, लेकिन कह रहे थे कि अभी 1 वीक तक ना और भी आने वाली है। तो ये वाला ड्रेस ही बहुत ही नाइस लग रहा था, इन्होंने इसके ऊपर ना गाउन बनाया हुआ था और नीचे प्लेन शर्ट थी, और ये ड्रेस भी बहुत ही प्यारा था, लॉन का है और इसके अंदर सॉफ्ट लॉन थी ना इसका ट्राउज़र, और हल्का सा ऊपर गोटी का काम हुआ था। ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये मुझे ना देखकर याद आ गया कि मेरी मम्मी के पास था इस तरह का ड्रेस ना बहुत पहले फिर मैंने कहा नहीं रहने दो। तो उसके बाद ये फ्रॉक मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, और एक ये ड्रेस था, ये वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसके नीचे ना इन्होंने बेल बॉटम बनाया हुआ था, काफ़ी लूज सा था, और ऊपर फ्रॉक थी। फिर ये वाला ड्रेस भी काफ़ी नाइस लग रहा था। चुनरी का फैशन फिर इतना ज़्यादा आया हुआ है ना, और गोटे का भी, क्योंकि मैंने 2-3 शॉप्स पे विज़िट किया और सब जगह पे ना जो लॉन के ड्रेस थे उनके ऊपर गोटे का काम हुआ था थोड़ा बहुत ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये भी ना ये देखिए इस ड्रेस के ऊपर भी ना गोटे का काम हुआ है, और काफ़ी जो है ना मैंने एक चीज़ नोट किया है कि ज़्यादातर ना यहाँ पर गाउन चले हुए थे, नीचे प्लेन शर्ट थी, उसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी थी, ये देखें येलो और ब्लू वाला, तो ये भी कितना प्यारा लग रहा था, और उसका जो बाजू था ना वो बड़े ही नाइस लग रहे थे। तो जी इस तरह के बस ड्रेसेस यहाँ पर पड़े हुए थे। उसके बाद ये देखिए जी सड़क के ऊपर ही इन्होंने ना यहाँ पर लंडा मार्केट लगाई हुई है। तो ये देखिए जी बर्मिंगम है, यूके है, आप लोगों को पाकिस्तान में और यूके में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा बर्मिंगम में ना, यहाँ के और पाकिस्तान के बाज़ार सेम एक जैसे ही होते हैं। तो ये जी मैं आ गई थी इधर मोटिव्स पे, मोटिव्स पे जो कपड़े होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। ये वाला कुर्ता जो है सारा को बहुत पसंद आया था, मेरी बेटी कह रही थी मामा ये वाला कुर्ता बहुत अच्छा है, तो हमने देखा कि अगर 2 बाय करेंगे ना तो हमें 30 पाउंड्स के बनेंगे। तो एनीवेज हमने फिर दूसरा कुर्ता भी वहाँ पे तलाश कर लिया, वो भी बड़ा प्यारा मिल गया था हमें ना, तो 2 कुर्ते यहाँ से हमें 30 पाउंड के मिले थे, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो जी फाइनल शॉपिंग जो मेरी हो गई है, और थक हार के हम लोग जो है ना वो घर आ गए। इतना ज़्यादा रश था आलम रॉक पे इसके जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो ये जो सारी शॉपिंग है ये सिर्फ मैंने आलम रॉक से ही की है, क्योंकि आलम रॉक से मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई थी। इसमें मेरा ईद का ड्रेस भी है और बच्चों के ईद का ड्रेस भी है, जो कि मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, वो जो है वो सरप्राइज़ ही है, वो मैं ईद पर ही आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसके अलावा जो गर्मियों की जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपके साथ दिखा आपको श्योर है कि आपके साथ शेयर करती हूँ मैं ना। ये तो जो लोग बर्मिंगम में रहते हैं अगर वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी उठा दें, सेल लगी हुई है बहुत अच्छी मोटिव्स पे और प्रिंसेस बी पे और कायरा पे भी। तो शॉपिंग से पहले मैं फटाफट जो है ना वो अफ्तारी का सामान बनाने किचन में आ गई थी, वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल टाइम होने वाला था और मुझे था कि बस मैं ना अफ्तारी का जो सामान बना दूँ। यहाँ मैंने बस पुलाव बनाया था फटाफट मीट का, और बेटी को मैंने बोल दिया था कि आप फ्रूट चाट बना लो और ग्रीन चटनी बना लो सब्ज़ चटनी ना, और मैंने ना यहाँ पर रोल और टिक्कियाँ और समोसे निकाल के रखती थी ताकि डीप फ्रॉस्ट होते हैं। और वैसे भी चावल जो बके होते हैं ना तो बहुत कुछ नहीं खाया जाता। अच्छा यहाँ पर ना मैं आपको सत्तू दिखा रही थी, एक्चुअली ना सत्तू मैं आज लेकर आई थी तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुई ना इसको देखकर, बहुत सालों के बाद मैंने सत्तू को देखा था तो मैंने सोचा कि मैं ना ये ले लेती हूँ, काफ़ी टेस्टी होता है। तो बस मैंने एक ही गिलास अपने लिए बनाया था, और किचन भी जो है ना वो मैंने साथ ही साफ़ कर लिया ताकि बर्तन जो वो रहना जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये जो कपड़े हैं ना मैंने अपने लिए तो बहुत कम लिए हैं, ज़्यादातर जो है ना ये सारा के लिए और मानव के लिए लिए हैं मैंने ना। तो ये शर्ट एक मैंने ली थी, ये मैंने वहाँ पे भी दिखाई थी जिसके बाद मैं शॉपिंग कर रही थी, और इस तरह से इसके नीचे हल्का सा सीक्वेंस वर्क हुआ है, और ये इसकी बैक साइड है। तो अब ये खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि इन्होंने कौन सा जो है इसमें से ड्रेस लेना है और कौन सा नहीं लेना है। और एक ये था चुनरी ड्रेस, ये मुझे इतना पसंद आया था ना, और इसकी शर्ट लॉन्ग है लेकिन नज़र ही नहीं आ रहा इसमें ना, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। और इसमें क्या था कि ये शर्ट लॉन्ग है लेकिन जो सारा है ना सारा के लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि उनकी हाइट जो है ना वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लंबी है मेरी जो बड़ी बेटी है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि लॉन्ग शर्ट जो होती है ना वही अच्छी लगती है जिनकी हाइट लंबी होती है, छोटी शर्ट ही उनको सूट करती है। तो ये सीने से ऑर्गेंजा लगी हुई है, तो अगर आप लोगों ने इस तरह का स्क्रीन शॉट लेना है, इस तरह का बनवाना है तो स्क्रीन शॉट ले लें, तो इसके ऊपर जो है ना ऑर्गेंजा लगा के तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाइयाँ ऐसी लगी हुई, तो ये बड़ा ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अच्छा उसके बाद एक मैंने ये वाला ड्रेस इन कर लिया, तो ये भी बहुत अच्छा है, ये आई थिंक मानो ने लिया है, और ये इसके जो है ना बॉर्डर है, इसके नीचे ऑर्गेंजा लगी हुई है और ऑर्गेंजा के साथ इस तरह से कट वर्क हुआ है, ये देखिए डिज़ाइन का कट वर्क करके नीचे ऑर्गेंजा लगाई हुई है। तो ये मुझे मिला है 22 पाउंड का, बैक साइड से इस तरीके से, और ये जो है ये मैंने मोटिव से लिया है, एक ये लिया था मोटिव से, इस तरीके से इसका गला बना हुआ है,
ये सारा थ्रेड का काम हुआ है, उसके ऊपर थ्रेड वर्क हुआ है। तो मोटिव्स का जो पता है लॉन है ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना कि जितना मर्जी आप इसको धो ये ख़राब नहीं होती। आजमाई भी है मेरी। और एक ये बहुत ही प्यारा सा लाइट सा ना, सही प्रॉपर गर्मियों का ड्रेस था। अच्छा अभी है ये वाला भी मोटिव का ही कुर्ता है। और अच्छा दो कुर्ते अगर लो ना मोटिव से तो आप लोगों को 30 pounds के पड़ेंगे, और अगर आप ये कुर्ता लेते हो तो आई थिंक वो 20 pounds का वन है या 22 pounds का। तो ये इस तरीके से है इसके ये बाजू है, ये इसका जो है वो ये देखिए 24 लिखा है, ये इसका गला है। और शर्ट पे भी ना यहाँ पे हल्का हल्का ना ये सीक्वेंस का काम हुआ है। प्रिंसेस बी से जो ड्रेसेस लिए हैं ये मैं दिखाती हूँ। तो जी ये आ गया है पहला ड्रेस। अच्छा मैक्सीज का इतना ज़्यादा फैशन हुआ है ना, हर जगह ही हुआ है। तो ये जैसे मैंने पहना हुआ इस किस्म का ही लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन इतना ये खूबसूरत है। ये इसका गला है। तो अगर आप खुद लॉन का कपड़ा लेके ना तो बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं। और बाजू जो इसके इसके सेम इतने ही बाजू जिसने इसके जो मैंने शर्ट पहनी हुई है, और बिल्कुल इस तरह का ही सिला हुआ। यहाँ पे ये पेटी है और इधर सारी कली है, और यहाँ पे बटन लगे हुए हैं, थोड़ा सा गोटा लगाया हुआ है इधर, ये देखिए। और बैक साइड से सिंपल है लेकिन कलियाँ हैं इसमें भी ना। सेम लेंथ है जो मैंने आज पहनी हुई है ना फ्रॉक, तो ये लेकिन 3-piece है। इसके साथ उन्होंने पता नहीं ट्राउज़र क्यों बना दिया, हालांकि नज़र तो आना नहीं था, लेकिन ट्राउज़र भी बना दिया उन्होंने। ये इसका ट्राउज़र है, थोड़ा सा ट्राउज़र मुझे लगता है नज़र आएगा, क्योंकि जो मैंने पहनी हुई ना शर्ट शुक्र अलहमदिल्ला वो ज़्यादा लंबी है, और जो ये ज़रा छोटी है। और इसका है ये दुपट्टा, दुपट्टा कह रहे हैं या स्टॉलर कह रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा स्टॉलर है इसका, ये देखिए ये इसका स्टॉलर है इस तरीके से। और यहाँ पे भी ना हल्का सा इधर एक गोटा लगा दिया और एक इधर लगा दिया, गोटे की एक बस लाइन से लगा दी। तो ये जी आ गया चूजा कलर, येलो कलर है जो कि मेरा हार्ट फेवरेट है, मैं हमेशा लेती हूँ चाहे मुझे सूट करे या ना करे, लेकिन सूट तो करता है इसी वजह से लेती हूँ। तो ये देखें इसके ऊपर भी ना सारा ये इसके ऊपर जो यहाँ पे गोटे का काम हुआ है, देख रहे होंगे आपको नज़र आ रहा होगा ये बटन लगे हुए। और गोल गला है इसका, गोल बे गला आई थिंक। और किस तरह से शर्ट है, ये इसके ऊपर ले, ये नॉर्मल शर्ट है लॉन की, बहुत फाइन कपड़ा है इसका भी। और इसकी जो है इसका ट्राउज़र है ये है, ट्राउज़र बड़ा मज़े का इसका, फुल फिटिंग वाला नहीं है, थोड़ा सा लूज़ है क्योंकि आजकल जो है ना हल्का सा लूज ट्राउज़र चला हुआ है। और इधर एक कट भी है इस तरीके से, ये देखिए कट वाला ट्राउज़र है, और बहुत फिटिंग में नहीं है, लूज़ है। ये शर्ट हो गई इसकी, ट्राउज़र हो गया, शर्ट हो गई, और ये इसका स्टॉलर। और ये मुझे बहुत ज़्यादा सस्ते मिले हैं, क्योंकि बेसिकली ये 55 pounds का एक था, लेकिन उन्होंने सेल लगाई हुई थी तो सेल के साथ ये 25 pounds का मुझे एक मिला। लेकिन मैंने चूँकि 4 dresses लिए उनसे तो मैंने इसमें भी और लेस करवा लिए थे उनसे ना, लेकिन मैं प्राइस नहीं बताऊँगी कितने लेस करवाए थे, क्योंकि भाई पता नहीं बाप लोगों को वो करे या ना करे। और ये जो है ना ये रेड कलर में मैंने लिया था, रेड एंड ब्लू, और ये भी बहुत ही प्यारा, ये भी मैक्सी है लेकिन फुल लॉन्ग नहीं है, ये मेरे जो नीज थोड़ा सा नीचे है। और ये इसके बाजू भी क्वार्टर हाफ है, ये भी पैक से इस तरह, मैंने 2 suits एक जैसे ही ले लिए अच्छा इसके ऊपर भी ना ये इस तरीके से काम हुआ है। और मैक्सीज का एक्चुअली फैशन बहुत ज़्यादा हुआ है, और मैं इसमें कंफर्टेबल ज़्यादा फील करती हूँ। ये इसका ट्राउज़र है, कितना प्यारा कलर है इसका, बहुत ही प्यारा कलर कंट्रास्ट लग रहा है ये वाला। तो ना मैंने बहुत बहुत अरसे के बाद जो सा है ना ये वाला कलर कंट्रास्ट पहना, मुझे लगता है हो गए 10 साल तो हो ही गए कि ये वाला कलर कंट्रास्ट नहीं मैंने पहना। और ये इसका दुपट्टा है, कितना प्यारा लग रहा है ये वाला सूट, सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं। और अब मैं जो है ना सही प्रॉपर गर्मी वाला कलर दिखाने लगी हूँ आपको, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। और चुनरी जो है आजकल वैसे भी बड़ी फैशन में इन हुई है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसका गला बहुत प्यारा बना हुआ है। और जो है ना
आप फौरी तौर पे ना इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि ये जब आप बनवाएंगे ना तो ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि इसको मैंने ट्राई किया था वहाँ पे ट्रायल रूम में जाके ना, तो ये बड़ा प्यारा लगा था। यहाँ पे एक टसल सा बना हुआ इस तरह से, और इसकी जो कलियाँ हैं ना इसके अंदर भी उन्होंने एक एक ये लगा दिया है, गोटे की लाइन लगा दी है। और ये इसका पल्ला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये, क्योंकि मैंने सारे वहाँ पर ड्रेसेस ना ये वाले ट्राई किए थे, उस वजह से क्योंकि साइज़ की प्रॉब्लम थी, जो एक्स्ट्रा लार्ज थे वो मीडियम में जा रहे थे, कुछ लार्ज मीडियम में जा रहे थे, कुछ मीडियम लार्ज में जा रहे थे, पता नहीं क्या था। ये इसका ट्राउज़र है और इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, ये देखिए, ये इसकी साइड वाले पल्ले पल्ले पे इसने चुन ली, और ये प्लेन है बिल्कुल यहाँ से ना, और यहाँ पे जो पल्ले है ना उनको उन्होंने लास्ट में ना एंड में यहाँ पे इस तरह से कर दिए, किंगरी लगा दिए लाइट सी ना। आई होप कि आपको मेरी आज की शॉपिंग पसंद आई होगी। इसमें है जी मेरा ईद का ड्रेस, और ये जो है ये सरप्राइज़ है, ये मैं आपको ईद पर ही दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला कि मैंने ईद पर क्या पहनना है। और सना और मानू ने भी ईद के बहुत प्यारे ड्रेसेस लिए नहीं है, बेसिकली वो गिफ्ट आए हैं जो इनकी दादी माँ ने इनको भेजे हैं, जो मेरी सास हैं उन्होंने इनके लिए बहुत ही प्यारे जो है ना ईद के ड्रेसेस गिफ्ट किए हैं, और वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी। वो अभी तक मेरे पास पहुँचे नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इनके ईद के ड्रेसेज उनसे हैं वो किस किस्म के हैं। सत्तू बना के मैंने रख दिया, सत्तू मैंने सिर्फ एक ही गिलास बनाया है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे जो है ना वो सत्तू बिल्कुल भी नहीं पिएंगे, उन्हें पता भी नहीं है ये होता है क्या। तो बस जल्दी जल्दी मैं जो कुछ मुझसे बन सका ना मैंने बना दिया, क्योंकि यकीन करें इतना ज़्यादा थक गई थी ना शॉपिंग करके, और इतना हमें फिरना पड़ा क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक भी थी, गाड़ी भी मैं खुद चला कर लेके गई थी, तो उस वजह से मेरे ना सर में शदीद दर्द हो गया था। तो जी बस आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।